लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी है। छठ की छटा गली मोहल्ले और बाजारों में देखने को मिल रही हैं। छठी मैया के आगमन से पहले लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं और गली मोहल्लों को चमका रहे हैं। एक तरफ लोग अपने अपने घरों में छठ की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छठ घाटों पर भी तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। अलग अलग घाट पर अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो रही है और 4 दिनों तक ये पर्व चलेगा। 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पर्व संपन्न होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर आप पहली बार छठ की पूजा करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, व्रत करने वाले लोग किस रंग के वस्त्र धारण करें और छठ पूजा के दौरान क्या भूल कर भी ना करें। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर से हो रही है। पहले दिन को नहाए खाए के तौर पर मनाया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, फिर स्नान करके शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। भोजन ग्रहण करने के बाद व्रत की शुरुआत की जाती है। मान्यता के मुताबिक छठ का उपवास करने वाले व्रती को भोजन में कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का सेवन करना जरूरी होता है। खाने में लहसुन प्याज के उपयोग की मनाही होती है। इस दिन ध्यान रखें कि व्रत रखने वाले के भोजन ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य लोग भी भोजन करें। कार्तिक शुक्ल की पंचमी तिथि यानी दूसरे दिन खरना का दिन होता है। इस बार 6 नवंबर को खरना किया जाएगा। इस दिन व्रत करने वाले लोग पूरे दिन निर्जला उपवास करते हैं और शाम में प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना के मौके पर प्रसाद के रूप में गन्ने के रस से बनी चावल की खीर, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसे प्रसाद के तौर पर सभी में बांटा जाता है। छठ के मुख्य प्रसाद में नमक और चीनी दोनों का उपयोग वर्जित होता है। धर्म के जानकारों के मुताबिक छठ में लाल और पीले रंग को शुभ माना जाता है और नीले और काले रंग को अशुभ। ऐसे में जो लोग पहली बार छठ का व्रत करने जा रहे हो, वो लाल और पीले रंग का ही वस्त्र धारण करें और भूल कर भी नीले और काले रंगों का प्रयोग न करें। छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस बार 7 नवंबर को सूर्य देवता को शाम का अर्घ दिया जाएगा। इस दिन प्रसाद में ठेकुआ बनाया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है। वहीं सूर्यास्त के समय उपवास रखने वाले किसी नदी, तालाब या कुंड के किनारे एकत्रित होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा होती है। छठ पूजा का समापन इस साल 8 नवंबर को हो रहा है। ये व्रत का अंतिम दिन होता है। इसमें उगते सूरज को अर्घ देते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया संध्या अर्घ की तरह ही दोहराई जाती है। ये अर्घ भी सामूहिक रूप से ही दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध का बना शरबत पीकर उपवास खोला जाता है और व्रती परिवार और रिश्तेदारों में सूप का प्रसाद बांटते हैं। इस तरह से पूरी विधि से छठ महापर्व मनाया जाता है। व्रत के दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अंत में किसी तरह से कोई भूल चूक के लिए छठी मैया से माफी मांगी जाती है। कहा जाता है कि छठी मैया भक्त की हर मनोकामना को पूरी करती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।